डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में आग लगने के बाद पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात को बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में अचानक आग लग गई थी, जिस पर काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया गया। हॉस्पिटल का दौरा करने के दौरान SSP श्रीनगर के साथ DC श्रीनगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि OPD ब्लॉक और आसपास के ब्लॉक सुरक्षित हैं। 9:30 बजे के करीब बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में जब आग की वारदात की रिपोर्ट आई तो उसी वक्त कंप्लीट टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको हरकत में लाया गया और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के जो फायर इंजन हैं उनको प्रेस किया गया और फायर को कंट्रोल में लिया गया। उससे ज़्यादा अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस वक्त बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आग लगी, उस वक़्त हॉस्पिटल में 113 पेशेंट थे और 113 पेशेंट्स को सेफली यहाँ से रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके उनको SMHS, JVC और JLNM हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करके कंसल्टेंट्स को यहाँ से भेजा गया उनकी देखरेख के लिए। आज यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ खुद यहाँ पर आए थे जायज़ा लेने और उन्होंने, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू सुना, आप लोगों ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस पर अमल किया जा रहा है। जो जहाँ पर आग की वजह से डैमेज हुआ है उसको वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और स्ट्रक्चरल सेफ्टी असेसमेंट PWD कर रहा है और जो हमारा OPD ब्लॉक है और उसका एडजेसेंट एक और ब्लॉक है जो बिल्कुल सेफ है, वहाँ पर पावर अभी अगर आप देखें जाके देख सकते हैं पावर रिस्टोर कर दी गई है, पानी की सप्लाई को बहाल किया गया है। बेसिक सर्विसेज को हम रिस्टोर करने के बाद एक कॉल ली जाएगी कि जितना जल्द हो सकेगा मिनिमम पॉसिबल टाइम में दोबारा से इस हॉस्पिटल को फंक्शनल कर लिया जाएगा। और कोई ये बात अगर कहे कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल था, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है और रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्रीमियर हॉस्पिटल है। पूरी वादी कश्मीर से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका जो डैमेज हुआ है उसको उसके असेसमेंट के बाद उसको भी रिस्टोर किया जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि उसके साथ एक नई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको सितंबर जो हमें बताया गया है PWD के से और जो एजेंसी है, सितंबर अक्टूबर से पहले पहले मैक्सिमम बाय सितंबर अक्टूबर उसको भी फंक्शनल कर लिया जाएगा। सर एक और बात जानना चाहूँगा कि अभी तक जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, जितने पेशेंट्स थे 113 के 113 पेशेंट्स को यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया गया, इवैक्यूएट किया गया, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया गया। जो आग की वारदात का आप काज पूछ रहे हैं, रीज़न पूछ रहे हैं, उस पर अभी तहकीकात जारी है, जैसे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है तब हम आपको पूरे वसूक से बता पाएंगे। जो लोकल यूथ हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जिस तरीके से काम किया वो काफ़ी ज़्यादा मुअसर साबित हुआ। थैंक यू। वहीं SSP श्रीनगर राकेश बलवाल ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए स्थानीय युवाओं की सराहना की। इसमें सबका योगदान है, खाली मेरा योगदान नहीं है, इसमें लोकल जो थे यहाँ के उनका भी ह्यूज है रोल और हमारे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर थे यहाँ के उनका रोल है, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इट इज़ नॉट ए सिंगल एफर्ट, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट। और छोटी बात नहीं है ये कि 113 पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा आग के बावजूद कुछ भी इंजरी नहीं हुई। अ स्कूल विद अ डिफरेंस, Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. GK Update. Update rahe hamare saath. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।